हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन, कैसे हैं आप। देखिए काफ़ी सारे लोग जो नेक्सॉन से इम्प्रेस है इसके इंटीरियर एस्थेटिक से, इसके स्टाइलिंग से, उतने ही वो थोड़े से एप्रीहेंसिव भी हैं बिकॉज टाटा मोटर्स की सर्विस के बारे में उनकी एप्रीहेंशन है कहीं ऐसा तो नहीं नेक्सॉन की सर्विसिंग कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़े। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन की सर्विस शेड्यूल के बारे में, सर्विस इंटरवल के बारे में और उसके कॉस्ट के बारे में। देखिए अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो गाड़ी के अंदर बेसिकली तीन लेबर फ्री सर्विस आती हैं जो सेकंड मंथ, सिक्स मंथ और पहले साल के अंत में रहेगी। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड सर्विस है इसमें जनरल इंस्पेक्शन है और जो थर्ड सर्विस है इसमें गाड़ी के ऑयल और फिल्टर चेंज होंगे। अगर हम पेड सर्विस की बात कर लें उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एवरी सिक्स मंथ आपको गाड़ी जनरल इंस्पेक्शन के लिए जानी पड़ेगी टाटा मोटर्स की वर्कशॉप में, एंड एवरी ईयर आपको गाड़ी का ऑयल और फिल्टर चेंज करवाने होंगे। बेसिकली ये जनरल इंस्पेक्शन क्या है, इसमें टाटा मोटर्स की वर्कशॉप प्रिवेंटिव कार का चेकअप करेगी जिसमें वो गाड़ी के फ्यूल लाइंस चेक करेंगे, बुशेस, सस्पेंशन चेक करेंगे, कोई फ्लूइड्स में मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स जो गाड़ी के ब्रेक फ्लूइड हैं, गियर ऑयल है, कूलेंट है उसको टॉपअप करेंगे, और अगर आपकी कार के कुछ कॉमन प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको इशू है दे वुड ट्राई टू रेक्टिफाई दिस। इसी के साथ साथ आपकी गाड़ी में टायर रोटेशन होगा तो वो टायर रोटेट भी करेंगे। और जो एनुअल सर्विस रहेगी वो आपके सामने है, मैंने सर्विस शेड्यूल दिखा रहा हूँ नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल का। देखिए ये इंडस्ट्री लाइन शेड्यूल है जिसमें गाड़ी का ऑयल और फिल्टर चेंज होगा एवरी ईयर। हालांकि अच्छी बात यह है इसमें 15,000 किलोमीटर टाटा मोटर्स ने मेंशन किया है डिस्टेंस, विच इज़ अ गुड थिंग। जिनकी रनिंग ज़्यादा है दे वुड बी हैप्पी विद दिस। प्लस आप देख सकते हैं फ्यूल फिल्टर पेट्रोल कार में एवरी फिफ्थ ईयर रिप्लेसमेंट होगी, डीजल कार में एवरी सेकेंड ईयर रिप्लेसमेंट होगी, एयर फिल्टर एवरी थर्ड ईयर गाड़ी में रिप्लेसमेंट होगी। हालांकि डीजल कार जो है इनकी उसमें टाइमिंग और टेंशनर बेल्ट की रिप्लेसमेंट एवरी थर्ड ईयर रहेगी, तो उस कारण जो तीसरे साल की सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी आपको नेक्सॉन डीजल में ज़्यादा मिलेगी। कूलेंट की रिप्लेसमेंट भी एवरी थर्ड ईयर है। वियर एंड टीयर आइटम देख लें जो इसके अलावा आपको रिप्लेस करवाने होंगे, तो देखिए जो गाड़ी के कॉमन वियर एंड टीयर आइटम्स होते हैं वाइपर प्लेट, बैटरी, ब्रेक पैड्स, क्लच प्लेट और एसी की सर्विसिंग। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, उसकी वाइपर प्लेट की अगर रबड़ कटी हुई है तो वो आपको रिप्लेस करवानी होगी। बैटरी की टेंटेटिव लाइफ करीब 5 साल रहती है। ब्रेक पैड और क्लच पैड तो एक्चुअली आपकी कार के चलाने के तरीके से डिपेंड करता है। कई लोगों की क्लच पैड तो 1-1 लाख किलोमीटर तक चल जाती है, कईयों की क्लच पैड 30,000 किलोमीटर में ही रिप्लेस करवानी होती है। सो डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहे हैं। और अगर मैं आपके सामने दिखा दूँ सर्विस कॉस्ट तो ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल की आप इंडिकेटिव सर्विस कॉस्ट देख सकते हैं। अगर मैं आपको एस्टिमेट दूँ तो जो पेड सर्विस आपकी रहेगी एवरेज नेक्सॉन पेट्रोल की वो तकरीबन रहेगी 5,500 से 6,000 रुपये, और मैं अगर नेक्सॉन डीजल की बात कर लूँ तो देखिए नेक्सॉन डीजल में बिकॉज थर्ड ईयर के अंदर गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट, टेंशनर बेल्ट और आइडलर चेंज होगी तो उस कारण एवरी थर्ड ईयर कॉस्टिंग ज़्यादा मिलेगी। उसके अलावा जो कॉस्टिंग रहेगी वो तकरीबन रहेगी 6,500 से 7,000 रुपये, और जो थर्ड ईयर की आप या सिक्स ईयर या नाइन्थ ईयर की गाड़ी की सर्विस कॉस्ट रहेगी वो तकरीबन रहेगी 12,000 से 13,000 रुपये। तो ये आपके सामने है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल की सर्विस कॉस्ट के बारे में। हालांकि टाटा मोटर्स कुछ बढ़िया ऑफरिंग कर रहा है वैल्यू केयर सर्विसेज के अंदर जो जानना ज़रूरी है। बेसिकली टाटा मोटर्स ऑफर कर रहा है गोल्ड AMC P2P विच इज़ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट और एक्सटेंडेड वारंटी। गोल्ड AMC में क्या है, गाड़ी की जितनी भी सर्विस के कंपोनेंट्स है वो इंक्लूडेड होंगे, प्लस ऑल वेयर एंड टीयर आइटम्स भी इंक्लूडेड है। आपकी गाड़ी में अगर क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट होगा अंडर AMC तो वो भी इंक्लूडेड होगा AMC के कवरेज के अंदर, ब्रेक पैड चेंज हुए तो वो भी कवरेज होगा। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। तो 17,000 रुपये आपको नेक्सॉन पेट्रोल के देने होंगे, करीब 32,000 रुपये नेक्सॉन डीजल के अंदर देने होंगे। P2P इज़ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट, बेसिकली P2P के अंदर कोई सर्विस के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। इसके अंदर जो गाड़ी के वियर एंड टीयर आइटम्स कॉमन हैं उसको टाटा मोटर्स एक तरह से कवर दे रहा है प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट के अंदर। तो ये भी रिकमेंडेड है अगर आप AMC लेना नहीं चाहते हैं तो उस केस में आप टाटा मोटर्स की नेक्सॉन की P2P प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट ले सकते हैं, और एक्सटेंडेड वारंटी भी आपके सामने है। कुछ ज़रूरी चीज़ें आप जानना ज़रूरी है बिकॉज नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में टर्बोचार्जर है। काफ़ी सारे लोग जो हैचबैक से अपग्रेड कर रहे हैं नेक्सॉन के अंदर या प्लान आउट कर रहे हैं वो जान लें कि बिकॉज टर्बोचार्जर है तो स्टार्टिंग जब भी आप कार करें
तो आपको 30 सेकंड्स का आइडल रखना होगा इंजन को, ताकि इससे टर्बोचार्जर पे इम्पैक्ट ना पड़े। और सेम चीज़ जब भी आप गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करें, अगेन 30 सेकंड्स के लिए आपको आइडलिंग ज़रूरी होगी। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो टर्बोचार्जर है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। टर्बोचार्जर आपको बता दूँ बड़ा एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो आपका खर्चा भी होगा और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी डिटेरियोरेट होगी। तो अगर आप नेक्सॉन लेना चाह रहे हैं तो ये भी जान लें कि नेक्सॉन मल्टी ड्राइव मोड में आती है। इसमें तीन मोड्स होते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। बेसिकली इकोनॉमी मोड माइलेज के पर्पज़ के लिए है, सिटी मोड बैलेंस ड्राइव के लिए, और स्पोर्ट मोड उनके लिए है जो चाहते हैं बढ़िया ड्राइव, माइलेज की चिंता कम करते हैं। मेरे हिसाब से नेक्सॉन बेस्ट है स्पोर्ट मोड के लिए, हालांकि उसमें आपको माइलेज कम मिलेगी, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं नेक्सॉन को एंजॉय करना तो इट इज़ बेस्ट टू ड्राइव इन स्पोर्ट मोड। तो देखिए बढ़िया कर दिया टाटा मोटर्स ने काम, ये अपने जो गोल्ड AMC निकाली है, P2P पैकेजेस निकाले हैं, एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान्स निकाले हैं, और इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ इन लाइन विद द इंडस्ट्री जो भी आपको गाड़ियाँ बाकी मिल रही हैं। तो अगर आप नेक्सॉन प्लान आउट कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ इन केस यू लाइक इट देन प्लीज़ डू अपवोट फॉर इट। और अगर आपने माइकर हेल्पलाइन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।